विभूतियों का नामो निशान मिटाने के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, लेकिन इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हुती विद्रोहियों के हालिया हमलों के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। यूएई ने इन हमलों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य खतरा माना है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, वो बाब अल मंदेब और लाल सागर में समुद्री परिवहन पर हमलों के परिणामों को लेकर चिंतित है। बयान में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक हितों को खतरा है। बता दें कि 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों द्वारा इसराइल पर हमला किया गया, तो इसके बाद इसराइल ने गाजा पर लगातार हमले शुरू कर दिए। हुती विद्रोहियों ने इसराइल से इन हमलों को रोकने के लिए कहा और बदले में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने अरब सागर और लाल सागर में इसराइल की ओर जाने वाले शिपिंग जहाजों पर हमला शुरू कर दिया। हुतियों ने चेतावनी दी कि जब तक इसराइल हमास के खिलाफ अपने हमले नहीं रोक देता, तब तक उसकी कार्रवाई चालू रहेगी। बता दें कि लाल सागर में हुतियों के हमले के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा हुती विद्रोहियों के यमन स्थित ठिकानों पर सैन्य हमले किए गए। इस हमले के बाद यूएई का रुख सामने आया। हमले के बाद अमेरिका ने हुती ठिकानों पर एक और हमला किया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमलों का उद्देश्य मिसाइलों या ड्रोनों को एकत्र करने और लॉन्च करने की हुती विद्रोहियों की क्षमता को खत्म करना है। इन हथियारों का उपयोग हुती विद्रोही लाल सागर में शिपिंग के लिए कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त हमले में 28 जगहों पर 60 ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमले में हुती विद्रोहियों की क्षमता को काफी कम कर दिया गया है। इस बीच हुतियों ने कहा है कि नवीनतम हमले में उसके 5 नेता मारे गए हैं। हालांकि विद्रोही समूह ने समुद्री जहाजों पर अपने हमले जारी रखने का ऐलान किया है। बता दें कि यमन में ब्रिटेन और अमेरिका के हमलों के जवाब में यमन के कई शहरों में हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। हुती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अली अल हुती ने अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि यमन पर आपके हमले आतंकवाद हैं, अमेरिका शैतान है। तो ही अब तक इस क्षेत्र में भारत के झंडे वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत जो अपना अधिकांश तेल रूस से आयात करता है, अब तक हमलों में काफी हद तक अछूता रहा, क्योंकि रूसी टैंकरों पर हुती विद्रोहियों द्वारा हमला नहीं किया जा रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस को ईरान का सहयोगी माना जाता है और उसने कई मौके पर गाजा में विनाशकारी मानवीय स्थिति के बारे में बात की है, जिससे इसराइल निराश हुआ। हालांकि ये निर्यात है जो भारत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चावल व्यापार पर संभावित प्रभाव को रेखांकित किया। भारत बासमती चावल का एक प्रमुख निर्यातक है, जो सालाना लगभग 4 मिलियन टन का निर्यात करता है। अब आपका क्या कहना है? जिस तरह से हुतियों पर एक और मुस्लिम देश का बड़ा बयान आया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।